हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसका मीन और वेरिएंस किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इसका जो MGF होता है वो कैसे निकालते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो एरिया प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी हम वहाँ डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नॉर्मली जितने भी इस दुनिया में काम है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। लाइक जैसे आज हमारे भी एक एनर्जी लेवल होता है, एक टाइम पे बढ़ता है, देन उसके बाद क्या हो जाता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। या हम किसी भी चीज़ की ग्रोथ देखें, है ना, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी इस दुनिया में जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उस इवेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, फॉलो करता है। लाइक एन टेंस टू इन्फिनिटी पे हर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, फॉलो करता है, राइट। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हर जगह यूज आता है। सो देखिए, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विच हैज द फॉलोइंग PDF, इसका जो PDF होता है वो होता है 1/σ रूट 2π e की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, जहाँ पर x माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होता है और म्यू जो होता है माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में होता है और सिग्मा क्या होता है यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता है। इट्स कॉल्ड नॉर्मल वेरिएट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो रैंडम वेरिएबल होता है, अगर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो इसको फॉलो करेगा एन म्यू और सिग्मा, जहाँ पे म्यू जो होता है वो मीन होता है और सिग्मा जो होता है ये इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सो इसका जो मीन और वेरियंस होता है वो किस तरह से निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए आप इसका मीन वेरिएंस किस तरह से हम निकालेंगे। सो स्टूडेंट देखिए, इसका जो मीन और वेरिएंस किस तरह से निकालते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो होता है सिग्मा अपॉन रूट 2π ई की पावर 1 - x - म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जहाँ पर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी मीन की, है ना। तो मीन का फार्मूला ये होता है, देन क्या आएगा, xfx dx देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स 1/σ/2π ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू dx आएगा। देन स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे 1/σ/√2π को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू dx लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को मानना पड़ेगा। सो क्या करेंगे, देखिए आप, लेट एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हम ले लेंगे यहाँ पे जेड, ठीक है, इसको हम क्या ले लेंगे यहाँ पे जेड ले लेंगे, ठीक है। सो अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dx इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा बचेगा अपॉन इज इक्वल टू dz, तो इस सिग्मा को उधर ले लीजिए तो ये सिग्मा dz हो जाएगा। देन ये आएगा सिग्मा √2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस x की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये x, ये सिग्मा उधर जाएगा। तो मैं अगर मैं इसकी x की वैल्यू की बात करूं तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू प्लस सिग्मा जेड, तो ये उठा के हम यहां रखेंगे तो ये आएगा म्यू प्लस सिग्मा जेड e की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई टू dz हो जाएगा। देन इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये सिग्मा dz होगा, है ना। तो ये सिग्मा से ये सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसके साथ अलग लिखेंगे तो मैं लिखूंगा म्यू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई टू डी जेड, देन यहाँ इसके साथ लिखेंगे तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्मा जेड ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई टू dz होगा। पर स्टूडेंट ये यहाँ पे ऑड फंक्शन होता है क्योंकि ये z की पावर 1 है, तो ये ऑड फंक्शन होगा और ऑपोजिट लिमिट में इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये इवन फंक्शन है तो इसको हम ट्वाइस कर देंगे और ये म्यू बाहर निकाल देंगे तो ये आएगा 0 to infinity ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई टू डी जेड, पर यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट जेड स्क्वायर बाई टू को हम पी मान लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये 2z dz/2, ये आ जाएगा dp, तो ये 2 से 2 कैंसिल। देन इसकी जो dz की वैल्यू आएगी ये z डिवाइड होगा और यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से z की वैल्यू आएगी √2π, तो ये उठा के हम यहाँ रखेंगे तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं उधर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप कितना आएगा, ये इसका जो मीन है दैट इज ex, ये आएगा आपके पास 2/√2π, म्यू बाहर है 0 to infinity, देन ये आएगा e की पावर माइनस p और ये आएगा dp/√2π, ये √2 बाहर निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2/√π और म्यू 0 to infinity,
और ये रूट पी ए ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू ई की पावर माइनस पी डी पी स्टूडेंट, ये टू से टू कैंसिल हो गया। मैं आपको बता दूं गामा फंक्शन का फार्मूला मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, वो था एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो गामा एन होती है ना। तो यहाँ पे पी में है तो जो भी पावर होगी वो एक बढ़ के गामा में आ जाती है, तो वही यहाँ लगभग इसी टाइप का हो रहा है। तो ये आएगा म्यू अपॉन रूट पाई, तो इसमें माइनस वन बाई टू में एक जोड़ेंगे तो वन बाई टू और वो गामा में आ जाएगा, और गामा वन बाई टू की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, रूट पाई होती है, तो ये रूट पाई हो जाएगा और ये से कैंसिल, तो ये इसका क्या होता है मीन होता है। तो इस तरह से इसका हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम यहाँ पे वेरिएंस की। सो वेरिएंस के लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सो ई एक्स स्क्वायर वही सेम मैं को यहाँ सॉल्व, मैं चलो इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ, तो हम ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देन ये बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा म्यू स्क्वायर, देन ये आएगा सिग्मा जेड का सिग्मा जेड आएगा, बिल्कुल ठीक है, सिग्मा स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन यहाँ पे एक और चीज़ आएगी आपके पास और वो आएगी आपके पास टू म्यू सिग्मा जेड, एंड देन यहाँ पे आपके पास आएगा इसकी वैल्यू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई टू डी जेड जीरो टू इन्फिनिटी सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, पर स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होगी ये जीरो नहीं होगा बिकॉज ये इवन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये जो आएगा ये तो क्या आएगा आपका म्यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन यहाँ से भी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा प्लस, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको ट्वाइस कर देता हूँ, तो ये आएगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट टू पाई जीरो टू इन्फिनिटी ट्वाइस हो जाएगा, देन ये जेड स्क्वायर है, इस जेड स्क्वायर की जगह हम रखेंगे यहाँ पे टू पी, है ना, और ये आएगा ई की पावर माइनस पी डी माइनस डी पी, राइट। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना, जेड डी जेड, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा है, एक मिनट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको वापस से कर देते हैं यहाँ पे, इस टर्म को मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए आप ये आएगा सिग्मा रूट टू पाई, है ना, और यहाँ पे हमने जेड स्क्वायर को हमने ले लिया, क्या ले लिया, देन ये माइनस जीरो से इन्फाइनाइट को कर देंगे तो ये टू आगे आ जाएगा, है ना, और ये आएगा ई की पावर माइनस पी, देन यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो ये डी जेड, है ना, डी जेड की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए यहाँ पे आप। चलो इसको अपन अगले स्टेप में करेंगे, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई यू ही कर देता हूँ, बेटर है, म्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू पाई और ट्वाइस करके जीरो टू इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, और यहाँ से मैं इसको सिग्मा स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूँ अपॉन रूट टू पाई, और इसको भी मैं ट्वाइस कर देता हूँ तो ये आएगा जीरो टू इन्फिनिटिव जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, देन यहाँ पे ये तो इसका मीन आ गया था, देन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ट्वाइस म्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू पाई, देन ये आएगा जीरो टू इन्फिनिटिव, है ना, यहाँ पे हम इसकी पावर माइनस पी लेंगे और ये आएगा डी पी अपॉन रूट टू पी, है ना, प्लस ये आएगा आपके पास टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट टू पाई जीरो टू इन्फिनिटिव। स्टूडेंट जहाँ पे भी जेड स्क्वायर है ना, वहाँ पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे, यहाँ रखेंगे हम टू पी, है ना, जेड स्क्वायर की जगह टू पी, ये आएगा ई की पावर माइनस पी अपॉन, इसकी जगह आएगा डी पी अपॉन टू रूट पी, राइट, देन ये क्या आएगा टू अपॉन म्यू स्क्वायर अपॉन ये रूट टू टू हो जाएगा रूट पाई जीरो टू इन्फिनिटी, है ना, और ये पी पावर कितना आ जाएगा माइनस वन बाई टू ई की पावर माइनस पी डी पी, प्लस यहाँ पे क्या आएगा ये टू बाहर निकाल दीजिए तो ये आएगा फोर सिग्मा स्क्वायर अपॉन ये टू रूट पाई हो जाएगा, देन जीरो टू इन्फिनिटिव, चलो टू अंदर ही रहना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पर निकाल लो ठीक है बढ़िया रहेगा ना, रूट पाई तो ये आएगा पी की पावर वन बाई टू ई की पावर माइनस पी डी पी, है ना, देन ये टू से टू कैंसल म्यू स्क्वायर अपॉन रूट पाई और गामा फंक्शन से इसकी वैल्यू गामा वन बाई टू होके बराबर होगी, देन फोर से इसको कैंसिल करेंगे तो टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन रूट पाई और ये वैल्यू होगी गामा थ्री बाई टू के बराबर, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा म्यू स्क्वायर रूट पाई और गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई होती है टू अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट पाई और इसकी वैल्यू होगी वन बाई टू गामा वन बाई टू और इसकी वैल्यू रूट पाई लिख देंगे हम, है ना, मैं आपको बता दूँ गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई होती है और गामा थ्री बाई टू होता है वन बाई टू गामा वन बाई टू दैट इज वन बाई टू रूट पाई
और ये जो मैंने फार्मूला लगाया यहाँ पे, ये इससे लगाया, x पावर n माइनस वन e की पावर माइनस x, इसका जो भी वैल्यू होता है वो एक बढ़ के गामा में आ जाता है, तो वही सेम यहाँ पे हो रहा है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम। देन ये से 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, तो स्टूडेंट ये आया म्यू स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर आई हमारे पास, ई एक्स स्क्वायर के बराबर आई, ये जो वैल्यू आई किसके बराबर, ई एक्स स्क्वायर के बराबर आई। देन इसका जो वेरियंस ऑफ एक्स होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो ई एक्स स्क्वायर है आपके पास म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस ई एक्स की वैल्यू म्यू आई थी अभी निकाली हमने, तो ये म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये इसका क्या होता है, वेरियंस होता है। सो दिस इज द वेरियंस। और स्टूडेंट हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन से उसके अंदर जो मीन होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, जो वेरियंस होता है उसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बात करेंगे, उसके लिए भी हम अलग से मैं वीडियो लूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस कंडीशन में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया जिसके अंदर आपको बताया कि मीन और वेरियंस किस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का निकालते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, और इसके बाद मैं आगे आपके सामने लेके आने वाला हूँ कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एमजीएफ किस तरह से निकालते हैं और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियंस और उसका एमजीएफ कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद हम इसके एरिया प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस लेंगे। और स्टूडेंट इससे पुराने जितने भी मेरे वीडियोस हैं लास्ट स्क्रीन पे आ रहे हैं आप सभी देख सकते हैं, ये सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और बीएससी वाले स्टूडेंट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो हायर मैथमेटिक्स है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें, बने रहिए मेरे साथ, आगे बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।